काका आपने तार दिया था, दादी माँ कैसी हैं? पहचाना, पहचान लिया। अरे हाँ, तू भी अपने हाथों से कुछ बांट दे। आज के दिन तेरे दादा सारे गांव को बांटा करते थे। तुम बांट रही हो ना दादी? हाँ। इसका पुण्य तो मुझे ही मिलने वाला है क्योंकि मैं अकेला वारिस हूँ। ठीक से बांटना, तुम अंदर आओ। अरे अच्छी तरह से बांट देना है। अरे मारूंगा, पहले बीमारी का तार फिर बाहर इतने लोग, वो ही सर झुका है। मैं समझा कहीं तुम कितना तुमने मुझे, अगर बुलाना ही था तो चिट्ठी लिख दी होती। अरे चिट्ठी को तू कुछ गिनता है क्या? जवाब तक नहीं देता। हाथ मत लगा, क्या जवाब दूं? हर चिट्ठी में तुम यही लिखती हो, शादी करो शादी करो शादी करो। तू क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? अगर तेरे माँ बाप जिंदा होते तो कब का खूंटे से बांध दिया होता। और आज अगर तेरे दादाजी होते ना तो तेरे बच्चों के साथ खेल रहे होते। हाँ, जो खेल तुम खेल रही हो ना दादी, अगर दादाजी होते ना तो सारे दिन थप्पड़ मारते। अब तुम ठीक ठाक हो, बस मैं जा रहा हूं। अरे तुझे भेजने के लिए नहीं मरी थी मैं तार में। देख वो तलेगांव वाले बहुत पीछे पड़े हैं और लड़की भी अच्छी है और 14,000 दहेज देने के लिए बोल रहे थे। हाँ बुलाओगे तो क्यों नहीं बोलेंगे। क्या दादी बाप मेरे लिए इतना? मैं तो बीए पास भी नहीं हूँ। इसीलिए तो 7,000 कम मिल रहे हैं, वरना मैं भी इससे कम में नहीं मानती। दादी माँ आज का तू लड़का है यही काफी है। और फिर तेरे दादा तो इस इलाके के तहसीलदार थे।